आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खुद को कैसे बदलें। बहुत लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अपने लाइफ में खुद को कैसे चेंज करें। कोई ना कोई इंसान होगा आपके लाइफ में जो आपको इंसल्ट किया होगा, आपको बेइज्जती किया होगा, आपको गलत बोला होगा, आपको भला बुरा बोला होगा, आपको इग्नोर किया होगा, आपको नज़रअंदाज किया होगा, आपका ना दिल दुखाया होगा। तो यही एक असली समय है आपको खुद को बदल देने का, उस इंसान को और वैसे हर एक इंसान को जो आपको हर्ट किया अपने बातों से, अपने हरकत से, उस इंसान को बदल के दिखा दो। खुद को बदलने के लिए आपको 7 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देना है। पहला, कम बोलना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोगों की गलती होती है ना कि उन्हें बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अननेसेसरी बोलते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आपके बात का वैल्यू नहीं होता है, सामने वाला इंसान आपको लाइटली लेने लगता है, हल्का में लेने लगता है। इसलिए बहुत कम बोलो, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो। जब आपसे कोई कुछ पूछे तभी बोलो, अदरवाइज अननेसेसरी मत बोलो, ये आपके वैल्यू को डिग्रेड करता है, डाउन करता है। दूसरा पॉइंट, ना बोलना सीखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ना बोलना ना हर एक इंसान को आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों गलती क्या होती है ना कि वो ना बोलते ही नहीं है, है ना। उनको कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, कोई काम करने के लिए बोलता है, उनसे कोई प्रॉमिस मांगता है, उनसे कोई चीज़ मांगता है, अगर वो इंसान उस चीज़ को नहीं देने के लिए सक्षम है फिर भी वो ना नहीं बोल पाता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि हम तो ना ही नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए आप ना प्रॉब्लम में फंसते हैं, इसीलिए ना आपको लोग हर्ट करते हैं, इसीलिए लोग आपको वैल्यू, आपकी कदर, आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो काम आप कर सको, जो चीज़ आप सामने वाला इंसान को दे सको, उसी के लिए हाँ बोलो। अदरवाइज जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप सामने वाला इंसान को खुश करने के लिए, कोई ऐसा काम करने के लिए आप हामी भर देते हो जो आप नहीं कर सकते, उसमें आपको बहुत तकलीफ होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये ना आपको कमज़ोर बनाता है। और बहुत सारे लोग ना आपके इस वीकनेस का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आपसे बहुत फ़ायदा लेते हैं, आपका यूज़ करते हैं दबा के। तीसरा पॉइंट, सोच समझ कर फैसला लो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना पहले 10 बार सोचो, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना डीप में रिसर्च किए, उसके आगे का फ़ायदा नुकसान सब कुछ बिना जाने, बिना समझे आप कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन मत लो। चाहे कोई भी इंसान आपको कुछ भी करने के लिए क्यों ना बोले, चाहे वो इंसान आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, बिना सोच समझ के फैसला मत लो। चौथा पॉइंट, बहस मत करो। किसी भी इंसान से ना बहस नहीं करना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की गलती क्या होती है ना कि वो ना बहस करते हैं, किसी से भी बहस करने लग रहे हैं। कोई इंसान कुछ बोल रहा है उससे बहस कर रहे हैं, घंटों अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं यार, अगर कोई इंसान, कोई लड़का, कोई लड़की कुछ भी बोल रहा है या बोल रही है, अगर वो गलत भी बोल रहा है और उस पर वो अड़ा हुआ है, तो आप उससे फालतू का बहस मत करो यार। उसको बोलो कि ठीक है यार, तुम ठीक बोल रहे हो, ठीक कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई इंसान अगर समझना नहीं चाह रहा है, कोई इंसान सुनना नहीं चाह रहा है, तो आप उसको चाह के भी नहीं समझा सकते, नहीं सुना सकते ना। आप उसको मत समझाओ, उसको करने दो, एक दिन खुद वो गिरेगा, खुद समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट, ज़्यादा ज्ञान मत दो। अननेसेसरी किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए यार, अननेसेसरी किसी को नॉलेज नहीं देना चाहिए। जब कोई भी पर्सन आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, कोई सजेशन नहीं मांग रहा है, आप उसको मत दो, भले वो इंसान गलत कर रहा है, करने दो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब आप किसी को ज्ञान देने लगते हो, एडवाइस देने लगते हो, सामने वाला इंसान आपका इंसल्ट कर देगा, आपका मजाक उड़ा देगा, आपकी कदर नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके बारे में बहुत कुछ बोल देगा। क्योंकि उस इंसान को ना आपका एडवाइस चाहिए ही नहीं, आपका ज्ञान चाहिए ही नहीं, आप ज़बरदस्ती दे रहे हो। अगर आप कोई भी चीज़ किसी को ज़बरदस्ती दे रहे हो, अगर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान उसकी कदर नहीं करेगा। इसलिए कभी भी बिना मतलब का, बिना मांगे किसी को ज्ञान, किसी को एडवाइस, किसी को नॉलेज नहीं देना चाहिए। छठा पॉइंट, जल्दी रिप्लाई ना दे। किसी भी बात का रिप्लाई जल्दी नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती होती है ना कि वो बिना कुछ सोचिए समझिए फट से रिप्लाई दे देते हैं, बिना सुने, अच्छा से वो कुछ सुन भी नहीं रहे हैं, सामने वाला इंसान की पूरी बात को होने भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो रिप्लाई देने लग रहे हैं आधे बात में। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आप पहले पूरी बात को सुनो, अच्छा से समझो, इसके बाद उसके ऊपर कोई कमेंट करो, उसके बाद उसके ऊपर कोई रिप्लाई दो। अब है सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने काम पर फोकस करो। हमेशा आपका काम पर फोकस होना चाहिए, चाहे कुछ भी दुनिया में होते रहे। कोई किसी से लड़ जाए, किसी का ब्रेकअप हो जाए, पैचअप हो जाए, लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आपका एक ऐसा चीज़ है जो नहीं छूटना चाहिए यार। अगर इस चीज़ को अपने लाइफ में पकड़ के रख लिए ना, ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल होने में, अमीर होने में, बड़ा बनने में कोई नहीं रोक सकता। और दुनिया में ना सक्सेसफुल अमीर लोग जिनके पास पैसा है, तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा किए हैं, उन्हीं की इज्जत है यार। ये कड़वा है लेकिन सच है। इसलिए आप कभी भी अपने काम से डिस्ट्रैक्ट मत हो, हमेशा अपने काम पे फोकस रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आए या कोई जाए, ब्रेकअप हो
या पैचअप हो, लड़का है, लड़की जाए, लड़की छोड़ के चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। अपना काम से ध्यान कभी मत हटाना, अदरवाइज ना आप भी उन करोड़ों लोगों के लिस्ट में चले जाओगे ना जो अनसक्सेसफुल है, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किए और आज उनकी कोई इज्जत नहीं करता और रोते फिरते हैं कि हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये 7 इंपॉर्टेंट काम करो, आपका लाइफ देखो कैसे चेंज होता है, अपने ज़िंदगी को ना पूरे तरीके से बदल दोगे। और हर वो इंसान जो आपको एक समय पे नीचा दिखाया, आपको गलत बोला, आपका इंसल्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपके बारे में भला बुरा बोला, हर वो इंसान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हर जगह शेयर करना यार, अपने दोस्त यार, फ्रेंड्स, लड़का लड़की, हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुँचाओ। व्हाट्सएप पर शेयर करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो को फैला दो।